स्मिता बहुत पुरानी दोस्त है मेरी और देविना की, 10-12 साल हो गए हमारी दोस्ती के, और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि स्मिता मराठी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रही हैं, और बिग बॉस में जाकर उन्होंने बहुत बहुत अच्छा खेला है। तो दोस्त हैं, तो जब भी कुछ भी पार्टी होगी तो हमें आना है। ओके, स्मिता जी की एक जो खास बात आपको बहुत ही पसंद आता है, उनको जो भी आपके फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में उससे अलग करती हो? स्मिता बहुत ही अच्छी लड़की है, और दिल की बहुत अच्छी है, और कभी एक दूसरे की बिचिक नहीं करती है। दोस्ती यारी में ऐसा होता है कि यहाँ गए यहाँ बैठे तो चार बातें वहाँ भी बोल देते हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करती है। वही इनफैक्ट बिग बॉस मराठी में उन्होंने वैसे ही रहा, जैसी स्मिता है वो वैसी ही है, उन्होंने बिल्कुल भी फेक कुछ नहीं किया। तो ऑल द बेस्ट फॉर ओके। बिग बॉस की बात चल रही है तो बिग बॉस सीजन 12 भी आने वाले बहुत ही जल्द, उसमें ऐसी खबर आ रही है कि आप और देविना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिग बॉस नहीं कर रहा हूँ मैं, और पल्टन रिलीज पे है, और फर्स्ट को ट्रेलर लॉन्च है, और 7 सितंबर को फिल्म रिलीज है, और उसका प्रमोशन है, फिर नेक्स्ट फिल्म जल्दी मैं फ्लोर पे जा रहा हूँ। तो अभी बिग बॉस तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ बिग बॉस का हमेशा फ़ैन रहा हूँ, और जब भी बिग बॉस होता है तो देखता ज़रूर हूँ, जब भी मौका मिलता है थोड़ा बहुत भी। और सलमान खान का उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जब सलमान सर वहाँ पे रहते हैं स्टेज पे, जब वो बातें करते हैं सुन के मज़ा आता है यार, एंड वो जान है बिग बॉस की। सलमान सर के साथ आई थिंक सलमान खान ही काफ़ी हैं, वो अकेले ही स्टेज पे जब खड़े हो जाते हैं तो फिर मुझे लगता नहीं और किसी जोड़ी की ज़रूरत है। ओके, पलटन की बात करें तो बॉर्डर के बाद एक सबसे बड़ी फिल्म अगर देखा जाए तो ये माना जाए पलटन की, तो आपके ऊपर कितना भार है उसका, क्योंकि दिन भी अब नज़दीक है, दिन नज़दीक आ रही है और एक्सपेक्टेशन भी बढ़ते जा रही है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पलटन मैंने की है, और जेपी दत्ता सर के साथ की है फिल्म, एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करे, तो मुझे लगता है कि उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला, और डैड आर्मी में रहे हैं तो हमेशा इमोशनल रहा हूँ फौज को लेके, देश को लेके हमेशा। जब भी मैं बॉम्बे में रहता तो मैं दोस्तों से लोगों से लड़ लेता था अगर कोई हिंदुस्तान या इंडिया के बारे में कुछ बुरा बोलते, क्योंकि सबको मालूम था ये फौजी का लड़का, ये फौजी है, मैं पूरा फौजी, और मेरे लिए देश का झंडा सब कुछ बहुत दिल के करीब है, और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जेपी दत्ता की उनकी फिल्म मैंने की है और रिलीज़ पे है, एंड आई एम श्योर कि जब आप ट्रेलर देखेंगे एक ऐसी कहानी जो लोगों के सामने नहीं आई थी वो लोगों के सामने आएगी, आप सबको बहुत पसंद आएगी। ओके भाई, थैंक यू भाई सो मच, आप यहाँ पर आए, थैंक यू। मैं चौधरी, ऑल द बेस्ट इंडिया आहे, ऑल द बेस्ट टू इंडिया आहे। इंडियन आइडल कौन सा अपना सोनिया आहे? अच्छा, इंडियन अहेड, इंडिया आहे, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट टू इंडिया आहे। दिखा दो, ये है लड़की वो। अरे रुको भाई, एक्सक्यूज मी मैम, तबीयत खराब है मैम। हां, ये लड़की जब बिग बॉस में जा रही थी तो हम देविना और हम दोनों से मिली थी, और ये बहुत डरी हुई थी, बट मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है कि आप जो हो आपने बिग बॉस में वही दिखाया है, आई थिंक इसलिए लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, आप टॉप 3 में आ गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम सारे दोस्त बहुत खुश हैं, बीमार होने के बाद भी मैं भाग के 5 मिनट के लिए भी आया, लेट हुआ, लेकिन मुझे इतनी खुशी है, और यू नो देविना तो बहुत ज़्यादा खुश है वो तो आपके लिए। अब मैं बहुत खुश हूँ, एक तो देविना और गुरु इतने पुराने दोस्त हैं मेरे, और गुरु की तबीयत सच में बहुत ख़राब है, फिर भी वो आज मेरे लिए आए हैं, थैंक यू सो मच। और जो सपोर्ट मिलता है मुझे हर बार हर एक नए वेंचर के साथ में, इसके लिए इसकी तारीफ तो मैं करनी, मैंने कितना भी करूँ कमी है, तो बट अगेन यू गाइज आर हियर, एंड ये जो सरप्राइज, इट्स एन अमेजिंग सरप्राइज, थैंक यू सो मच। अरे तुझे पता तो नहीं चला ना नहीं कि तूने एक्टिंग की?
नहीं पक्का? हाँ, मुझे ना बहुत लेट रिएक्शंस कभी कभी आते हैं, मुझे अंदर आ जागने के बाद रोना आ रहा था। अच्छा, तो तभी ना मुझे बहुत... तू अभी अभी तो एंजॉय कर, रोने के दिन खत्म हो गए। आई नो, तभी ना चिढ़ा रही मेरे को हंस के, मैंने कहा मैं इमोशनल हो रही तो हंस रही यार मेरे पे, हाउ फनी इज दैट। नहीं नहीं, अभी तो टाइम है, एंजॉय कर और जल्दी से घर पे मिलते हैं सब लोग। हाँ, फिर हमारी पार्टी स्टार्ट होगी। यस, तो यस आई विल। अंदर आ रहे हो ना? मैं आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। थैंक यू एंड आई लव हिम, ही इज माय बचपन का फ्रेंड। हाँ, बचपन का। बचपन का, बचपन ही हो गए ना यार, छोटे छोटे थे 19 साल के। हाँ, जब आए थे। एग्जैक्टली, बचपन का फ्रेंड। आई जस्ट कम। ऑल द बेस्ट टू इंडिया अहेड, कीप वाचिंग। इंडिया अहेड चैनल का नाम है तेरा? Hi, this is Gurmeet Chaudhary and keep watching All the best to India Ahead. All the best. Hi everyone, this is Gurmeet Chaudhary. All the best to India Ahead. Keep watching. So, sorry, easy all dot. Please subscribe to Viral Bollywood. Please like, share and subscribe to Viral Bollywood. Subscribe कीजिए. Please subscribe.